हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बारिश आने का टोटका सोशल मीडिया पर सरपंच व उपसरपंच को गधे पर बिठाकर गांव में घुमाने व जगह जगह स्वागत करने की पोस्ट पर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों में आक्रोश। सादड़ी पुलिस थाना में रिपोर्ट दी। ग्राम में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती, बार बार फॉल्ट होने व कम वोल्टेज की समस्या से परेशान ग्रामीणों द्वारा मुंडारा ग्रिड सब स्टेशन कनिष्ठ अभियंता कार्यालय के सामने उप जिला प्रमुख जगदीश चौधरी व सरपंच प्रवीण वैष्णव के नेतृत्व में धरना देकर प्रदर्शन किया जा रहा था कि ग्राम में व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया मुंडारा खोज खबर ग्रुप में किसी सदस्य ने एडमिन को धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद सरपंच व उपसरपंच को गधे पर बैठाकर ग्राम में घुमाने से बारिश आने का टोटका आजमाना बताया व साथ ही जगह जगह ग्राम चौराहे पर स्वागत किया जाएगा जिससे बारिश हो सकती है। एडमिन ने पोस्ट मुंडारा खोज खबर ग्रुप फॉरवर्ड कर दी। धरना प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों में नाराजगी जाहिर करते हुए एडमिन का तानाशाही रवैया बताया, अंधविश्वास को बढ़ावा देने व सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देना बताया। इसी ग्रुप में धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन से निवेदन किया गया था कि सुरक्षा व्यवस्था रखे। साथ ही ग्रुप में इसी के साथ ही यह फॉरवर्ड किया गया कि हाल फिलहाल सरपंच तनावग्रस्त है, ऐसा लग रहा है कि सरपंच धरना प्रदर्शन स्थल पर लोगों को उसकाकर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ कर सकते हैं। ग्रुप के माध्यम से बार बार एडमिन द्वारा ग्राम में शांतिपूर्ण आपसी समाज जिससे व भाईचारे को बिगाड़ने का नाम किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी लंबे समय से अमर्यादित टिप्पणी व अपमानित किया जा रहा है जिससे ग्राम का माहौल किसी भी समय खराब होने की संभावना व्यक्त की गई। जागरूक टीवी के सादड़ी से खेताराम जाट की रिपोर्ट।